हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और वीडियो यार बहुत सीरियस है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में एक बहुत ही ज़्यादा सैड इंसिडेंट हुआ है, ट्रेन कोलिजन। अब तक तो सबको पता चल ही गया होगा, जिसमें यार ऑलमोस्ट 300 पीपल अभी तक मर चुके हैं और 850 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। तो यार ऐसे इंसिडेंट जब भी सुनने को मिले, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पर लोगों की जाने जा रही हैं वहाँ पर दुख तो होता है, और यार दुख कोई छोटा नहीं है। 850 लोगों अगर मर रहे हैं, 850 बंदा कम अमाउंट नहीं है यार, इतने बंदे अगर इंजर्ड हैं और 300 भी मर रहे हैं तो यार बहुत बड़ा नंबर है, और इससे साबित होता है कि काफ़ी बड़ा इंसिडेंट था ये। तो यार एज अ पाकिस्तानी हम लोग तो अपनी कंडोलेंसेज ही पेश कर सकते हैं इस हादसे में। बाकी अभी तक तो जैसे आपको पता है कि मामला गरम गरम है, तो हम ये चीज़ कह नहीं सकते कि किसकी गलती थी या जो भी हुआ कि किस तरह कोलिजन हुई, किस तरह ट्रेन आपस में टकराई। लेकिन जो हम कह सकते हैं वो ये है कि अगर कल का इंसिडेंट हुआ हुआ था तो इतनी देर तक लोगों को अभी तक अवेयर क्यों नहीं किया गया था, या लोगों को पता क्यों नहीं था? क्योंकि अगर इतना बड़ा कोलिजन है तो लोगों को पता होना चाहिए इस बात का। बाकी मैं अभी NDTV की न्यूज़ देख रहा था, जिसमें मैंने एक बंदे का इंटरव्यू सुना जो कह रहा था कि मैं सो रहा था और जब मैं उठा तो 10 से 15 बंदे मेरे सामने मरे पड़े थे। तो यार ये इंसिडेंट सुन के ना दिल कांप जाता है कि यार इस तरह का किसी बंदे के सामने मंजर होगा तो उस बेचारे पे क्या बीतरी होगी। ठीक है, क्योंकि आपने अगर सो के उठे और आपकी दुनिया ही बदल जाए, ये वो वाला सिस्टम है यार। तो एज अ पाकिस्तान पे हम अपने कंडोलेंसेस पेश करते हैं। ठीक है, इस इंसिडेंट के ऊपर यार पूरी रिपोर्ट आएगी तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा।